हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दिस साइड जीसीपी आयाद। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं नहा धो लिया। हम सोए नहीं थे रात में क्योंकि दिन में सो चुके थे। सो, आज है संडे और आज की है छुट्टी क्योंकि कल है हमारा जूलॉजी का सेकंड पेपर। सो, चलते हैं अभी बाहर थोड़ा सा, तो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो बाहर का व्यू दिखाते हैं सुबह सुबह, फिर मिलते हैं आपसे, है ना। आज कुछ बताएंगे भी हम आपको, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। आज हम ये बताने वाले हैं कि CUET का जो है ना, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं अपने यहाँ, मतलब हमारे कॉलेज में, जहाँ पर AU के किसी कॉलेज में, DU के किसी कॉलेज में, या फिर ऑल ओवर इंडिया जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन का प्रोसीजर है। सो, सारा कुछ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, तभी आपको पता चलेगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो बताएंगे, अभी तो चलते हैं बाहर, घूम के आते हैं फिर बताते हैं आपसे। गाइस, अभी हम निकले हुए थे बाहर और मौसम देखिए बढ़िया, मस्त हवा हवा चल रही है हल्की हल्की। तो अभी चलते हैं वापस रूम पे और चाय पीने आए थे तो चाय मिल गई है। सो, चाय पी लिए और अब कुछ नाश्ता के लिए ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं तो फिर रूम पे, फिर बताते हैं आपसे कि CUET के बारे में थोड़ा सा। सो, चलिए। सो, फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं CUET के बारे में थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि CUET के बारे में बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फिर कुछ, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा AU की। पहले तो आप कट ऑफ देख लीजिए, मार्किंग वगैरह कि कितनी आ रही है, कहाँ की कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी कट ऑफ आ रही है, उस अकॉर्डिंग। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ़ीस का दो है, जैसे SC ST के लिए 100 रुपये है और OBC के लिए और जनरल के लिए 250 रुपये के आसपास है। ये नॉन रिफंडेबल है और ये आपको सबमिट ही करनी पड़ेगी। तो ये फीस सबमिट करने के बाद आपने जैसे कि यूनिवर्सिटी तो सेलेक्ट कर लिया होगा, लेकिन फिर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिल अप कर देंगे पूरा, ट्वेल्थ का जो मतलब मार्कशीट है ना, और ट्वेल्थ के कितने मार्क्स आए हैं वो आपको कंपलसरी हैं, वो आपके तब काम आएंगे। जैसे कि दो बच्चे सेम नंबर पर हैं ना, तो फिर वहाँ पर ट्वेल्थ का आपका मेरिट लिस्ट वाला काम, जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो ट्वेल्थ का आपका मतलब वहाँ पर मार्क्स चेक कर लेगा वो, तो उस अकॉर्डिंग आपको लेंगे। सो, ये डॉक्यूमेंट पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करिए, मतलब ओरिजिनल फ़ोटो क्लिक करके। सो, ये प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका क्या रहेगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए ही रहेंगे पहले से ही, तो कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो, उसके बाद आप फोर्थ प्रोसीजर में आप जाएंगे कि फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फीस जितनी भी होगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ीस जितनी भी होगी आप लोग फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, उसे प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने पास। तो चार प्रोसीजर हो गए। उसके बाद लास्ट रहेगा कि कॉलेज आपको बुलाएगा या फिर कॉलेज वेरीफाई करेगा आपको। आप इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल ही रखिएगा, और जिस दिन बुलाएगा आपको कॉलेज उस अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए कि। सो, ये रहेगा पूरा प्रोसीजर, ये किसी भी यूनिवर्सिटी का, हर यूनिवर्सिटी का यही रहने वाला है। सो, आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो, कल है हमारा फिर से पेपर, कल है हमारा जूलॉजी का, तो करते हैं उसकी प्रिपरेशन वगैरह। सो, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई मॉर्निंग के साथ कल के दिन। सो, मिलते हैं, बाय बाय।